निकिता, हम देख रहे हैं कि आजकल तो मम्मी के संगे बहुत झगड़ा करे लगा है। बड़े लोग के हर बात में ना बोले के चाहिए। तू जा। ना, हम बोलब, हम के तो लोग के बताए के पड़ी। मम्मी पापा के झगड़ा होखेला तो हम के एक समझ अच्छा ना लागेला। मम्मी जब आपके खाना परसत रही तो वहाँ से उठ के काहे चलाएला? तो पहले भी मम्मी पर बहुत चिल्लाएला, तो आजकल मम्मी के बहुत डांटत रहेला। ये सब ना चली पापा, हम कहते हैं कि तू मम्मी से सुलह कर ला। सब मामला में दखल मत दा, जा जाके अपन काम करा। ना, ये हमार काम है। आभा, कहने लगे तू जा, जा। हम आभा के एह तरह से कहे डांट देली। और काका छिपेलू तो हमरा से, हम तोहार मुंह से सुनल चाहे नहीं। दूसर के मुंह से सुने से अच्छा है कि हम तुहार मुंह से सुनी। प्लीज बतावा, बतावा और काका पाप कैले हो तू? का भाई बोला? या कि इतना पाप कैले हो कि कुछ भी याद नहीं है, सब भुला चुकल हो तू? यही से पानी भर रहा हो ना? तू तो हमरा से छिपा रहा हो, तू तो रोवत रहो ना, है ना? पर की माई, हमके बतावे ना, तो के कौन बात के दुख? हम दुर्गा माई से कहते तो हर सब तकलीफ दूर हो जाए। फिर से मीठा मीठा बात करके पटा रहा है, चारों लड़की है एकदम। हमके बतावे ना, दुर्गा माई सब ठीक कर दी है। हम और आभा दोनों मिलके दुर्गा माई से प्रार्थना करब। जानेलू, हम और आभा दुर्गा माई से प्रार्थना कइले रही कि हमार माई और बाबूजी के लौटा दो। तो देखा, वो लोग वापस आ रहे बाड़न। बाबू साहेब वो दोनों के वापस लौटा के ला रहे बाड़न। बड़की माई के नहीं की रो बोले, बड़की माई तो पहले से ही रोवत रही। हम दुर्गा माई से कहब जैसे कि बड़की माई के सब दुख दूर हो जाए। नाटक, दीदी के सब दुख तो हरा चलते ही है, ये सब की जड़ तो तू ही हो। दीदी और बड़का भैया के बीच झगड़ा के कारण असल में तू ही हो। दोनों के बीच ये झगड़ा है ना, ये कबो ना रुकी, ना रुकी कबो। ये दोनों शायद अलग भी हो जाए। ये सब खाली तोरा चलते हुई, खाली तोरा चलते समझ लो। तो के लाज नहीं क्या आवत? हाँ? सब मामला में दखल मत दा, जा जाके अपन काम करा। ना, ये हमार काम है। आभा, कहने लगे तू जा, जा।
प्यारी बेटी के रोका है रहा हूँ कहाँ भाई बतावा बेटा कहाँ दुख तो के दुख तो के भैया तू बेटा चुप चुप करो हेलो हम देख ले हैं तू तो ना कहाँ इतना झगड़ा करेला हम आज पापा के पास गए रही पापा से यही कहे खातिर कि तू मम्मी से सुलह कर ला तो पापा उल्टे हमके डांट देला कहे कहे डांट ला नू हम के कुछ नहीं किया बेटा तो हर पापा अभी हमरा से नाराज पड़न हम गलती कर लेना यही से वो हमके डांटत रहन तो कब तू तो ना के बीच में अब कब यो सुलह ना होई सब ठीक ना होई कतू तो ना अब कब यो हमरा से प्यार ना कर पा ना रे बुद्धू लड़की अच्छा जब तू गलती करे लू तो हम और तो हर पापा तो के डांटे ली की ना तो तू भी तो रोई लू ना एक कर मतलब का हम लोग तो के प्यार ना करेली ना सब ठीक हो जाए ना कुछ ठीक ना होई हम जाने ले हमारे क्लास में एक लड़की है चंपा होकर मम्मी पापा में पे ऐसे ही झगड़ा हो कत रहे वो लोग में सिला ना भाई चंपा स्कूल में आके हमें शरारत आई हम लोग ओकरा से पूछत रहे चंपा तो केकरा संगे रहलो अपन पापा के संगे ओकरा बाद एक दिन ओकर मम्मी पापा दोनों ओकरा छोड़ के चल गए तब का तू और पापा भी हमके छोड़ के चल गए वो अबा के तो दोनों के चरण रहा था अबा तो ऐसा बिल्कुल मत सोचा ऐसा कुछ भी ना हुई हमारे तो हर पापा कब तो के छोड़ के ना जाए कुछ ना हुई सब ठीक हो जाए तो कब ऐसा मत सोचिए भैया हमारी बात के तू मान ले एक बार तू रीना के माफ कर दे भैया रीना अपन सब गलती मान ले है सब बात खुल के धोके बता दी ली रीना के अब तू गलत मत समझा ओकरा से नाराज होके तू अपना आपके कितना तकलीफ देबा बोला देखो भैया हम जाने ली कि रीना झूठ बोल ले है कि गौरी क्यों कह दिली कि वो अन्नपूर्णा के गांव भेज दिले है ये अपराध के चलते वो रात दिन पश्चाताप भी कर रहा है तू जाने ला ना कि वो समय रीना के मन के हालत कैसन रहे बेटा के खो के माई के मन के हालत कैसन हो सकेला भैया का ये हो तो के समझावे के पड़ी रीना वो समय ये सोच ले हुई कि जैसे ऊ राजा के खो के तकलीफ उठा रहा है वही तरह राम प्रसाद और गौरी के भी तकलीफ होके और यही से वो परिवार के तहस नहस कर दी ली बाकी ओकरा में कुछ अच्छाई भी तो है ना भैया अच्छाई है वो कैसे हाँ ये जे अन्नपूर्णा ये घर में रहे ली रीना ओकरा के कितना प्यार करे ली स्कूल में एडमिशन करवा दी ली इतना अच्छा तरह से पाल रह ली एकदम अपन बेटी के तरह प्रायश्चित भी कर रह ली का ये सब अच्छाई देखे भैया तू थोड़ा का सोचा भैया रीना और अपना बीच के ये झगड़ा झंझट ये सब के अब खत्म करा भैया देखिए सब कुछ फिर से ठीक हो जाए कुछ कहे क्या बाबू साहेब हम कबहियों आपसे कुछ मंगले हैं का नहीं की ना कुछ नहीं की मंगले ना काहे जाने ली काहे अन्नपूर्णा काहे कि आप हमके सब कुछ दे ले हैं हमके कुछ मांगे के जरूरत ही ना पड़े हमरा चाहला से पहले हमके सब कुछ मिल जाला तो ये सब काहे कह रहा लो अन्नपूर्णा तू तेकरा से भी ज्यादा पावे के हकदार हो आज हम खाली आपसे एक ही चीज मांगे आइल हैं आप देब ना हमके तू जे भी मंगबू हम तो के देब बोला का चाहे प्रॉमिस अब हम जे भी मांगब आज यदि वो हमके दे देली तो हम दोबारा कब्बो आपसे कुछ भी ना मांगब आवा हमरा पास आवा
यहाँ पर बैठा। तो जाने लो कि तुहार बाबू साहब पूरा जिंदगी तुझे भी मंगबू उ तुह के लाके दी है। तुहार मांग के पूरा करे में तुहार बाबू साहब के कितना खुशी मिलेला ही तू नहीं खुजाना था। आप प्रॉमिस कर रहे हैं ना? अब हम जे भी मांगो वो आप हमके देब ना, बाद में मुकरते ना जाए। कभी हो ना, हम कहली ना प्रॉमिस। बोला तो के का चाहिए? रुका हम गेस करत है। नया फ्रॉक तब फिर गुड़िया खातिर घर डॉल हाउस बड़का चॉकलेट बिल्कुल ना वो ना। तुहार बाबू साहब बहुत बुद्धू बाड़न ना, समझ ही ना पा रहा बाड़न। चलो तू ही बता दा। आप प्रॉमिस कर ले है ना? प्रॉमिस। आप और बड़की माई कब झगड़ा ना करो। आप बड़की माई पर थोड़ी का सा भी गुस्सा ना करो। हम बस ये चाहेले और कुछ भी ना। आप हमरा से प्रॉमिस कर ले है। अन्नपूर्णा, असल में बड़ लोग के बीच में कबू कबू ऐसा हो जाला जे जल्दी ही सुलझ। हम कुछ भी न सुनब। आपके और बड़की माई के झगड़ा हो खेला तो हमके और आभा के बहुत तकलीफ हो खेला। हमारे माई बाबू जी तो ही वह ना बड़न ना, ऐसे आप और बड़की माई ही हमारे माई बाबू जी है। आप लोग के झगड़ा कर देखल हमके बिल्कुल पसंद नहीं थे, बिल्कुल ना। अपन प्रॉमिस रखब ना, बड़की माई के संगे सुलह करब ना, गुस्सा तो ना हो कब। ना हो कब। हम गुस्सा ना हो कब। तू जे चाहे लू हम उहे करब। तू जे हमरा से मंगले हो हम उहे तो के देब। थैंक यू बाबू साहेब। यू आर मोस्ट वेलकम। रात दिन बैठल बैठल अब हमार शरीर दुखाए लागल हा। चला थे तनी बाहर घूम के आवा थे। तू तनी एकर ध्यान रखे। जा जा घूम आवा। एगो बात कहीं, तोरा अंदर हमके एगो अच्छा इंसान नजर आवेला भाई। तोरा अंदर दया भाव भी आ। तू ही लोग के संगे कैसे जुड़ गईला? तोहर घर बार कुछ भी नहीं खे, तोहर केहू अपन नहीं खे। हमार घर में तो बेटी है, पत्नी है, पता ना वो दोनों अभी कैसन है। हर समय हमके बेटी खातिर चिंता होखत रहेला। हम यहाँ पर बंधाइल पड़ल है, नहीं के जानत कि हम जिंदा लौट पाए भी कि ना। हम मर गेली तो हमार बेटी के का होई का मालूम। बिन बाप के बेटी के कैसे गुजारा होई बोला। कैसन है, कैसे रहत होई, कैसे पलात होई, हम कुछ नहीं के जानत। अकेले माई का कर पाए ओकरा खातिर बोला। हम के ही वहां पर बांध के काहे रख ले बड़ा। तू लोग नहीं खा जाना,
कि एगो बेटी खातिर ओकर बाप के होकल कितना जरूरी है। हमके छोड़ दे। चुप, एकदम चुप हो जा, अब एक शब्द भी मत बोलिया। आप समझा थे ना, हम बहुत मुश्किल से क्लाइंट के राजी कैले हैं, मतलब कि ये प्रेजेंटेशन मीटिंग खातिर उ लोग एक हफ्ता और रुके खातिर तैयार पड़न। बाकी यदि एक हफ्ता से ज्यादा लगी तब फिर वो लोग रुके खातिर तैयार ना हुई हैं, ये तो बहुत स्वाभाविक है। बड़का भैया, वो हम कहत रहे कि यदि आप वो प्रोजेक्ट के ठीक से समय ना दे पा रहे तब, मतलब यदि ठीक से हैंडल ना कर पा रहा तब, ये जिम्मेदारी हमके दे दें ना, एक बार विश्वास करके तो देखिए, मतलब हम सब संभाल ले। का सोच रहे नहीं, हमके को मौका देके तो देखी। हम सोचत हैं, अच्छा तरह से सोची और फिर ये जिम्मेदारी हमके दे दे। अरे समझत कहे नहीं कि हमके भी तो पैसा कमाए के इंतजाम करे के पड़ी ना। तो जा, हम थोड़ी का सोच के बतावत हैं। ठीक है बड़का भैया। रीना, थोड़ी का रुकबो। पूछत रही कि इतना बड़ा एगो जिम्मेदारी का सुमित के हाथ में सौंपे के चाहिए ना। हमार मतलब है कि नया क्लाइंट है ना, एकर जिम्मेदारी का ओकरा सौंपे के चाहिए, तो के का लागेला? ये सब हमरा से काहे पूछ रहा नहीं? हमके माफ कर दे प्लीज। असल में रीना, जब तू हमके बतौलू कि राम प्रसाद जेल में है और वो निर्दोष है, ये तू जानत रहो, तो ये बात हमार मन के चुप गेल रहे। हम कैसे रिएक्ट करिए हमके ठीक से समझ में ना आवत रहे। हम तोरा संगे बहुत बुरा बर्ताव कैली। I'm sorry. असल में का रीना जाने लू, आज तक जब भी हम कबो कौनो डिसीजन ना ले पाईला तो हम कंफ्यूज होके तोहरे पास आईला, हम तोरा से गाइडेंस ले बेली, हम हमेशा तोहार राय ले बेली और तू हमेशा हमके एकदम सही राय दे बेलू, सही तरीका से हमेशा हमके गाइड करेलू, हमके रास्ता दिखावेलू। यही से हम नेकी चाहत कि हम दोनों के संपर्क टूट जाए, फिर से सब पहले जैसा नहीं होके, सब लोग अच्छा से रहें। ये जे एगो अपराध हो तो के रात दिन सता रहा है, वो कैसे दूर हुई का तो ही बता सकेलो, कैसे हम तो के शांति दे सकेली, कैसे हम दोनों की जिंदगी फिर से पहले जैसन सुखी प्यार भरल हो जाए, तू हमके बता सकत हो? प्लीज रीना, बोलो ना कुछ, बोलो ना फिर से पहले जैसन कैसे हो जाए, बोलो ना कुछ प्लीज।